मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की पूरी भरपाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि 50% से अधिक के नुकसान पर किसानों को प्रति हेक्टेयर 30,000 रुपए की क्षतिपूर्ति के साथ ही फसल बीमा कंपनी से प्रारंभिक रूप से 25% और शेष 75% राशि क्लेम सर्वे के बाद दी जाएगी। लटेरी तहसील के ग्राम उनारसी कला के एकीकृत शाला शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के समीप आयोजित कार्यक्रम को सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों ने संबोधित किया। इससे पहले कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने जिले की लटेरी और सिरोंज तहसील के ग्रामों में हुए ओलावृष्टि से हुए नुकसान के संबंध में जानकारी दी। सिरोंज से नरेंद्र रघुवंशी की रिपोर्ट। यहाँ उमाकांत शर्मा जी, बाकी जगह हमारे बाकी जनप्रतिनिधि लगातार घूम रहे हैं और किसानों को हम आश्वस्त करते हैं तो उनको राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चाचौड़ा भी है, सभी आसपास के इलाके में पट्टी गई है जो सीधे आगे तक निकल गई है। यहाँ धनिया की फसल, सरसों, गेहूं, चना व्यापक नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार किसानों की है और किसानों को हमने कहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं, नुकसान हुआ है, दिल दुखता है, लेकिन उसकी भरपाई सरकार करेगी। सर्वे का काम यहाँ पूरा लगभग हो गया है, जो सूची है प्रभावित किसानों की वो चिपकाई जा रही है गांव में ताकि कोई भेदभाव और बेईमानी ना हो। और अगर किसी को आपत्ति है कि कोई नाम छूट गया तो उसका फिर से सर्वे कर लिया जाएगा और इस सर्वे के पश्चात 50% से ज्यादा नुकसान में 30,000 रुपए प्रति हेक्टर की दर से राहत की राशि दी जाएगी। फसल बीमा योजना इस बार हमने नए स्वरूप में लागू की है। राहत की राशि के अलावा जो नुकसान हुआ उसका 25% एडवांस बीमा कंपनी दे, इसका इंतजाम किया है। 75% का क्लेम सेटल होने के बाद होगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।